हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर लॉन्ग कुर्ती, जिसके लिए यहाँ पर मैंने दो फैब्रिक लिए हुए हैं। जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 3 मीटर, और उसके साथ मैंने प्रिंटेड फैब्रिक है वो मैंने लिया है 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने फोर फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे, तो यहाँ से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। शोल्डर का पार्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पर 7 इंचेस। आर्म होल भी मैं लूंगी यहाँ पे 7 इंचेस। यहाँ पे हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूंगी यहाँ पे 10 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाय 4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 2 इंचेस ऐड कर लेंगे सिंगल आर्म्स के लिए। तो ये मैंने लिया है चेस्ट पार्ट 10 इंचेस। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है 15 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 9 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल मैंने लिया था 7 इंचेस, उसका हाफ होता है 3.5, तो 3.5 पे हमें एक मार्क कर लेना है। यहाँ से हमारा आर्म होल का कर्व शुरू होगा, तो राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। नेक की चौड़ाई मैं लूंगी यहाँ पे 3.5 इंचेस, और लेंथ मैं लूंगी यहाँ पे 2.5 इंचेस। उसके बाद राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। तो इस तरह से हमने नेक पार्ट भी ड्रॉ कर लिया है, इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो ये हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस है, फ्रंट और बैक दोनों के लिए। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने इस तरह से फोर फोल्ड किया हुआ है। इसकी लेंथ मैंने ली है 38 इंचेस, टोटल लेंथ इसकी बॉटम की मैंने ली है 38 इंचेस। अब जो हमारा टॉप का पार्ट हमने कट किया था उसे टू फोल्ड करके यहाँ पे हम प्लेस करेंगे, और ये जो हमारा चौड़ा है उसे हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड करते जाना है हमारी लेंथ तक, इस तरह से, और नीचे की तरफ हम हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने बॉटम का पार्ट ड्रॉ कर लिया है, इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो ये हमने बॉटम को कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस है, फ्रंट और बैक दोनों के लिए। अब देखिए, जो हमारे पैटर्न है उसे कट करने के लिए ये जो हमारा टॉप का पार्ट हमने कट किया था उसे यहाँ पे हम प्लेस करेंगे, और उसकी मदद से हमें मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम इसे एज इट इज मार्क कर लेंगे, जैसे हमने रखा है वैसे हमें इसे मार्क कर लेना है। अब इस पार्ट को हम यहाँ से अलग कर लेंगे, और यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है जो हमारा शेप ड्रॉ करना है। तो इस पार्ट को हमें इस तरह से क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है, और यहाँ से हमें शेप को ड्रॉ करना है। तो ये जो हमारा आर्म होल है यहाँ से हम 1 इंच इतना डिस्टेंस रखते हुए लाइन को ड्रॉ करेंगे, और राउंड शेप देते हुए हमें इसे नीचे तक, इस तरह से हमें जो हमने शेप ड्रॉ किया था यहाँ तक हम इस लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह का शेप हमने ड्रॉ कर लिया है, इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। इसकी लेंथ मैंने ली है 29 इंचेस, तो यहाँ से हम इसकी लेंथ मार्क कर रहे हैं वो है 29 इंचेस। तो इस तरह से इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो ये हमने प्रिंटेड पार्ट को कट कर लिया है। अब देखिए, स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने इस तरह से टू फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से हम स्लीव्स की चौड़ाई रखेंगे 9 इंचेस, तो 9 पे हमें एक मार्क कर लेना है। और जो हमारी ओपन साइड है यहाँ से हम 3 इंचेस डाउन पे एक मार्क करेंगे।
और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब स्लीव्स की लेंथ हमें मार्क करनी है, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 19 इंचेस, तो 19 पे हमें एक मार्क कर लेना है। और यहाँ पे आएगी हमारे स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 6 इंचेस। तो लेंथ पे हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए इस तरह से स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है, इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। स्लीव्स को मैंने इस तरह से कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी प्रिंटर स्लीव्स है। एक और स्लीव्स हमें कट करनी है प्लेन फैब्रिक से, तो इसके ऊपर जो हमारा प्रिंटर पार्ट हमने कट किया इसे प्लेस करना है स्लीव्स का, और हम इसी शेप और साइज में एक और स्लीव्स कट कर लेंगे प्लेन फैब्रिक से। तो सेम हमें इसी शेप और साइज में स्लीव्स को कट कर लेना है। तो इस तरह की हमारे पास दो स्लीव्स हैं। अब देखिए पैटर्न करने के लिए मैंने इस तरह से बेल्ट कट किया हुआ है, जिसकी लेंथ मैंने रखी है 6.5 इंचेस, और इसकी चौड़ाई हमने इस तरह से अप्रॉक्स 2.5 मीटर जितना लिया होगा। अब इसमें हमें बॉर्डर को फोल्ड करना है, तो नीचे की बॉर्डर हम सिंपली बैक साइड पर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे पूरी लेंथ में। और बॉर्डर फोल्ड करने के बाद हमें ऊपर की तरफ पिट्स लेनी है, तो इस तरह से हमें सिंपल पिट्स डालनी है। तो 1-1 इंच के डिफरेंस पे हम इस तरह से पिट्स डालेंगे और सिलाई करके हम इसे सिक्योर करते जाएंगे। पूरी लेंथ में हमें इसी तरह से पिट्स डालनी है और नीचे की बॉर्डर हमें फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से पिट्स ले ली है पूरी लेंथ में। अब जो हमारा प्रिंटर पार्ट था उसे हमें यहाँ पे रखना है, और ये जो हमारी जो हमने शेप दिया था उसमें हमें इस फ्रिल को अटैच करना है। तो यहाँ पे हम इसे रखेंगे, और ये जो हमारा प्रिंटेड पार्ट है उसे इस तरह से हल्का सा फैब्रिक हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और ऊपर से आपको इस तरह से कवर सिलाई लगा के यहाँ पे फिक्स करना है। तो इस तरह से आपको फैब्रिक को हल्का सा अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे आपको कवर सिलाई लगा के पूरी लेंथ में इस फ्रिल को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे हमने फ्रिल को अटैच कर लिया है। अब ये हमारा बॉटम का पार्ट है जिसे मैंने राइट साइड पर रखा हुआ है। ये हमारा टॉप का पार्ट है, इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे सिलाई करके हम दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से हमें बैक पार्ट को भी ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पर टर्न करेंगे, तो मैंने इस तरह से रॉन्ग साइड पर टर्न कर लिया है। अब जो हमारा पैटर्न के लिए हमने तैयार किया था उसे हमें यहाँ पे इसे भी रॉन्ग साइड पे हमें रखना है, यानी कि दोनों रॉन्ग साइड को हमें मिलाना है, और ये जो हमारा नेक लाइन है उसे हम अच्छे से मिलाएंगे और पूरे नेक में हमें सिलाई कर लेना है। उसके बाद इस पार्ट को हम राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है, हल्के हल्के यहाँ पे हम नॉचेस लगाएंगे, और नॉचेस लगाने के बाद ये जो हमारा फ्रिल वाला पार्ट है उसे हम राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो हमारी नेक तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है, तो ये हमारा नेक बिल्कुल तैयार है। अब हमें बैक का नेक तैयार करना होगा। तो ये हमने बैक का पार्ट लिया हुआ है, इसके ऊपर हमने इसी शेप का स्ट्रिप कट किया हुआ है जिसे हम उल्टा रख के यहाँ पे सिलाई कर लेंगे, और सिलाई लगाने के बाद इस स्ट्रिप को हम बैक साइड पे टर्न करेंगे और बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे बैक साइड पे फोल्ड कर लिया है। अब ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको जो हमारा फ्रंट का पार्ट हमने तैयार किया था उसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। इस तरह से आपको फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखना है, और दोनों आर्महोल को हम अच्छे से मिलाएंगे, और यहाँ पे आपको सिलाई करके शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है। दोनों शोल्डर्स को आपको यहाँ पे मिला के सिलाई कर लेना है।
यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको स्लीव्स को इस तरह से उल्टा रखना है और दोनों तरफ से सिलाई करके हम इसे स्लीव्स को ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे। और जो हमारी प्लेन स्लीव्स है उसे हम प्लेन साइड पे लगाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको स्लीव्स को उल्टा रख के दोनों तरफ से सिलाई कर लेना है। स्लीव्स को ज्वाइन करने के बाद हम स्लीव्स की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इसे सिंपली बैक साइड पर डबल फोल्ड करके हमें पूरी लेंथ में सिलाई कर लेना है। इसी तरह से दोनों बॉर्डर हम फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूंगी यहाँ पे 17 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसे हाफ करके उसमें 1 इंच ऐड कर लीजिए लूजिंग के लिए। यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूंगी यहाँ पे 15 इंचेस। तो यहाँ पे भी हाफ करके आपको 1 इंच लूजिंग के लिए ऐड करना है। उसके बाद हमें स्लीव्स की चौड़ाई लेनी है, तो यहाँ पे 5.5 इंचेस पे मार्क कर लूंगी। और उसके बाद हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से हमें इस तरफ भी स्लीव्स की चौड़ाई 5.5 इंचेस मार्क करके इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड करना है। उसके बाद इस पॉइंट को हमें क्रॉस में नीचे तक 1 इंच के डिफरेंस पे एक्सटेंड कर लेना है पूरी लेंथ तक। तो जैसे हमने मार्क किया है वैसे हमें इसकी फिटिंग कर लेना है। तो ये हमने फिटिंग करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इसे सिंपली हमें बैक साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए पूरी लेंथ में। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। और फाइनली इसी के साथ ही हमारी डिजाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारी डिजाइनर कुर्ती। अगर आपको हमारी डिजाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोस को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।